वेलकम टू ग्लिट्सविजन. मेरा नाम है आरती सक्सेना. मतलब आपका स्वागत है ग्लिट्सविजन में. थैंक यू सो मच. दिव्य शक्ति मतलब आपको कैसे मिला और दिव्य दृष्टि? जी तो मैं इस शो में दृष्टि का किरदार निभा रही हूँ और दृष्टि जो है उसके पास दिव्य दृष्टि है. मैं बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ. मेरी मॉम बहुत बड़ी शिव भक्त रही हैं और शिव जी की कृपा से हम दोनों को ये शक्तियाँ वरदान में मिली हैं. मेरे पास दिव्य दृष्टि है, दिव्या के पास मनोगामी शक्तियाँ हैं. तो ये इसलिए है क्योंकि हम शिव भक्त हैं बहुत बड़े और हमारी माँ बहुत बड़ी शिव भक्त रही हैं. अब दृष्टि का जो किरदार है, दृष्टि बहुत ही सिंपल सुलझीवी लड़की है. ज़्यादा चपड़ चपड़ नहीं करती है, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस नहीं करती है, अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करती है, दूसरों की सहायता करने के लिए उनके हित में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और सॉर्टेड लड़की है. मतलब बहुत ही आज के ज़माने की गर्ल नेक्स्ट डोर है. मिडिल क्लास फैमिली से है तो पहनावा भी थोड़ा मिडिल क्लास और इंडियन टाइप्स है और यू नो ऐसी है कुछ दृष्टि. इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई डिड लास्ट नाइन. ये काफ़ी चैलेंजिंग रोल है. जैसे ये सब चीज़ें देखने में बहुत ईजी लगती है बट काफ़ी सारा काम होता है. जैसे ग्राफिक्स का बहुत काम होता है हमारे पास, सीजी का बहुत सारा काम होता है. अब क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं हमारे पास, उस उन शक्तियों की वजह से हमारे पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐसा होता है कि हमें कहीं से कूदना होता है, कभी ठंडे ठंडे पानी में जाना होता है, कभी गिरना होता है. ये सारे सीन्स करना कहीं काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी चैलेंजिंग होता है बट आई एम लविंग इट और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि काम में मज़ा तब आता है जब सारी चीज़ें चैलेंजिंग होने लगती है. और लुक्स पे कितना ध्यान? मतलब लुक्स भी थोड़े अलग टाइप के दिखाए. लुक्स एक्चुअली ये काफ़ी एकदम मिडिल क्लास लड़की है बट विद डिसेंट सेंस ऑफ ड्रेसिंग. तो दिस इज़ हाउ दृष्टि ड्रेसेस अप बेसिकली. ओके ओके. जी इससे पहले आप पापा बाई चांस कर रहे हैं. जी इसी ना जी जी जी. और बाद में ये हम मिले थे पापा भाई. हाँ जी हाँ. तो कितना मतलब अलग लग रहा है? काफ़ी अलग है. पापा बाय चांस में जो मेरा कैरेक्टर था वो बहुत ही चौपी थी, पक पक करती रहती थी और गुस्से वाली, थोड़ी अग्रेसिव थी. बट यहाँ पर दृष्टि एकदम अलग है. वो बहुत ही सुलझीवी, बहुत ही रिजर्व्ड और बहुत ही काम एंड पॉइज्ड है. उस पर बहुत ग्रेस है. वो हर चीज़ को बड़े ग्रेसफुली हैंडल करती है, हर मैटर को अपना दिमाग पहले इस्तेमाल करती है. तो दृष्टि का कैरेक्टर पिछले कैरेक्टर से काफ़ी डिफरेंट है. और कितना बिलीव करते हैं आप? मतलब मैं काफ़ी बिलीव करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि आज के जैसे अगर आप देखें पुराने ज़माने में ये जो योगी और जो पंडित और जो हमारे बाबा हैं ये सब इतना मेडिटेशन करते थे कि वो भी भविष्य प्रेडिक्ट करते थे और उनकी बातें सच होती थी और उनकी वाणियाँ सच होती थी एंड उनके पास भी टेलीकिनेसिस यानी मनोगामी शक्तियाँ थी. तो ये आज के समय और आज की तारीख में अगर आप देखें तो लोग रेकी करते हैं. ये सब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है किसी को हील करना बट दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग. सो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी दैट यू हैव टू चैनल इट फ्रॉम योर बॉडी एंड लाइक द पावर टू सी द फ्यूचर एंड टेलीकिनेसिस हैज़ ऑलवेज बिन अ पार्ट ऑफ आर कल्चरल लाइक बिन अ पार्ट ऑफ आर कल्चर एंड इज हियर टू स्टे एंड बस यही हमारे शो का कॉन्सेप्ट है. तो अब तक के सफर में कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि कोई दिव्य शक्ति आप सपोर्ट कर रही है? हाँ ऑफकोर्स, मेरा जो पूरा टीम है उनका इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिलता है कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि देयर इज अ वॉल अराउंड मी ऑलवेज प्रोटेक्टिंग एंड ऑलवेज गाइडिंग मी फॉर द राइट थिंग्स. प्लीज़ ये शो देखिए दिव्य दृष्टि, स्टार्ट्स फ्रॉम 23rd February, सैटरडे संडे 7 PM ओनली ऑन स्टार प्लस. हेलो नमस्कार ग्लिट्सविजन के सारे व्यूअर्स के लिए, मेरी तरफ से और मेरे दिव्य दृष्टि की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारा प्यार आपको. एंड हम बहुत मेहनत कर रहे हैं शो के लिए एंड आई होप आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हम हैं. थैंक यू थैंक यू.